नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के चलते प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इस विशेष अभियान के तहत सभी संबंधित विभागों को 10 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, जिसको लेकर के लखनऊ नगर निगम ने अपने नगर निगम की सीमा में आने वाली सड़कों के मरम्मत तथा नवीनीकरण कार्य को शुरू करा दिया है। लखनऊ नगर निगम के चीफ इंजीनियर महेश वर्मा के मुताबिक तकरीबन 310 किलोमीटर गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत तथा 341 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण रेस्टोरेशन का कार्य होना है, जिसके लिए निविदाएं निकाल दी गई हैं, साथ ही कार्य भी शुरू करा दिया गया है। एक तो नवीनीकरण रेस्टोरेशन में जो सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं उनको ठीक करना, और दूसरा कुछ सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको उन गड्ढों को भरकर मोटरेबल करना। तो उस तरह से हमने पूरा वर्कआउट कराया है। केवल गड्ढा मुक्त में हमारा 210 किलोमीटर है और नवीनीकरण और रेस्टोरेशन में 341 किलोमीटर है, करीब 651 किलोमीटर है का हम जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। हमारा कार्य जो है शुरू हो गया, कुछ कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित कर ली गई हैं, कुछ में जो है कोटेशन बेसिस पे काम ले लिए गए हैं, कुछ 15 वित्त में ऑलरेडी काम चल रहे थे, कुछ जो है बाढ़ विकास प्राथमिकता हमारे यहाँ माननीय पार्षद दलों को जो फंड मिलता है उससे वो सड़क सुधार के कार्य करा रहे हैं, वो भी गड्ढा मुक्त का पार्ट है। माननीय महापौर प्राथमिकता के जो कार्य हो रहे हैं वो भी गड्ढा मुक्त के, जो सड़क कार्य हो रहे हैं वो भी गड्ढा मुक्त के लिए ही है। तो हमारा काम फुल फ्लेश चल रहा है फील्ड में, चूँकि अभी तक बारिश थी तो बारिश जब खत्म होती तभी हम लोग करते हैं। अर्बन एरियाज में जो है, जो अगर बारिश से पहले कुछ भी करिए तो वो फिर पुराने स्वरूप में आ जाता है। तो अब हम लोग पूरा उसका गड्ढे को साफ करा के मलबा निकाल के उसको क्लियर करके रेक्टेंगुलर शेप में कटवा के उसमें GSP भरवा के जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे करके ब्लैक टॉप करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में 2-3 दिन फिर बारिश हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रगति में फर्क पड़ा है। बट हम लोग जो निर्धारित समय होगा उसमें पूरा कर लेंगे अपना काम, और मोटरेबल तो कर ही देंगे। गड्ढा मुक्त वाला जो बेसिक जो है मोटो है सरकार का, उसके अनुसार कार्रवाई कर लेंगे। तो क्या सर, जिस तरीके से गड्ढा मुक्ति को लेकर के जो बात की गई है तो वो केवल मुख्य सड़कों के लिए है या गली मोहल्ले में भी जो सड़कें हैं उनके लिए भी कोई नहीं? जिनमें भी फूटफाल है, मान लीजिए कोई सड़क किसी सोसाइटी में कच्ची पड़ी है तो वो तो नहीं इसका हो सकती गड्ढा मुक्त। बेसिकली ये है कि मोटरेबल सड़क थी उसमें गड्ढा हो गया, उसको गड्ढे से मुक्त करिए। जहाँ अभी विकास कार्य हुए ही नहीं नगर, तो वहाँ के लिए थोड़ा दिक्कत है। वहाँ भी हम लोग जो है मलबा से और जैसे भी है अगर संसाधन होते तो सड़क भी बनवा रहे हैं। तो वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है कि जहाँ पे जो है डेवलपर ने कोई जो है बिना काम किए प्लाट काट दिए हैं तो वहाँ दिक्कतें हैं, ना नाली है ना सड़क है, तो वहाँ के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं। वो हमारा सेकंड फेज में है, जैसे संसाधन होंगे वैसे करेंगे। लेकिन हम जो है ना, जो जहाँ जो है विकास कार्य पूरे हैं और कोई किसी वजह से गड्ढा हुआ है तो उसको प्रायोरिटी भरेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।